नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपको बताऊंगा स्टर पॉम्फ्रेट फ्राई, वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक डिशेस इन द वर्ल्ड। उसको कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है। आइए दिखाते हैं। बेसिक सिंपल रेसिपी है, काफी एक्सोटिक डिश है ये, काफी अच्छी जगह मिलती है और काफी महंगी भी होती है। तो यू नो यू कैन जस्ट ट्राई टू गेट पॉम्फ्रेट एट होम एंड कुक इट। काफी सिंपल है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले फिश की जरूरत होगी। आप फिश दो तरह से कटवा सकते हैं। ये मैंने मैरिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफी लोगों को भूख लग रही थी, तो मैंने मैरिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब इस तरह से भी कटवा सकते हैं। इस तरह से बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पॉकेट से लेयर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉकेट से लेयर्स अगर इस तरह से कटवाते हैं तो इस तरह से जो है आपको इसके लेयर्स में मैरिनेट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये मसाला लीजिए और इस तरह से मैरिनेट कीजिए। अब ये मैरिनेशन का मसाला जो है बहुत ही सिंपल है। लाल मिर्ची सबके घर में होती है, लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी हींग, नमक और नींबू। इसका इस तरह से बैटर बनेगा। इस बैटर से आपको इसको मैरिनेट करना है। और कुछ देख रहे मैरिनेशन, हर एक पॉकेट में, हर एक साइड में आप लगाइए, उससे कि मसाला अंदर तक जाना चाहिए। वरना अगर मसाला अंदर तक नहीं गया तो फिर वो ब्लैंड लगेगा, फीकी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो पूरा गेम जो है आप समझ रहे हैं मैरिनेशन के ऊपर है। 80% गेम जो है वो मैरिनेशन के ऊपर है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन दिस प्रोसेस, यू नो। सो नाउ इंश्योर दैट ऑल द साइड्स गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मसाला एंड दे कंप्लीटली लाइक डिप्ड इनटू इट। अब आप देख रहे हैं इसको वापस अच्छे से, इसको सूजी और मैदे का जो पेस्ट है उसमें उसको लगाना है और लगा के वापस इसको जो है धीरे से छोड़ देना है। लेट इट फ्राई, थोड़ी देर फ्राई करना है इसको, 10 से 12 मिनट फ्राई करना है हल्की आंच पे। ये जो है 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसको यू नो दो तीन बार इसको या फिर टर्न इट अराउंड, उसको उल्टा करना है ताकि ऑल साइड्स में, सारी साइड्स में इसके तेल लगे और अच्छे से फ्राई हो। हाफ फ्राई नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्राई एंड मैरिनेशन, दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट। अभी इसका जो है दूसरी साइड, इसको थोड़ी देरी हो गया है, दूसरी साइड इसको हल्के से जो है बहुत ही धीरे से, क्योंकि फिश है थोड़ी सी नाजुक होती है, हल्के से आपको टर्न कर देना है। नाउ इस साइड को आपको इतनी देर फ्राई करना है जितना आपने पिछली साइड हो गया, अबाउट 3 to 4 minutes, एंड देन कंटिन्यू द प्रोसेस अगेन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ये तैयार हो चुका है स्टर पॉम्फ्रेट फ्राई, बट इट्स नॉट येट वेरी, नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक गार्निश। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। एंड फाइनली is ready. Voila.